हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आरजीएस कलोनी की तरफ से मुल्क के फेसबुक पेज पे मैं रुचि सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। आज का जो लाइव है ना, वो तड़कती तड़कती जो गर्मी है ना, उसको किस तरीके से क्या खा के कंट्रोल करें, तो यहाँ पर मैं शेक्स और जूसेस के साथ में आज का लाइव कवर करने वाली हूँ। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। रेसिपी इसकी जो थीम है वो है जंगल जूस, यानी यहाँ पर जो हम जूसेस बनाने वाले हैं उसका थीम जंगल जूस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल जो शेल्स होते हैं ना, शेल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। एक बार दोबारा से जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आरजीएस कलेनरी की तरफ से अमूल के फेसबुक पेज पर आप सभी का, मैं रुचि सक्सेना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। जब तक बाकी के लोग ज्वाइन करेंगे तब तक हम शुरू करते हैं। यहाँ पर जो आज बनने वाला है वो पहले सबसे पहले बनेगा कोकोनट, टेंडर कोकोनट के साथ में। यहाँ पर मैंने लिया है ये टेंडर कोकोनट, ये लिया है कोकोनट का मलाई। ये जो सॉफ्ट वाला होता है ना, एकदम वो वाला पार्ट है, अच्छे से इसे निकलवा कर लेंगे। साथ में जो कोकोनट वाटर है ये सेपरेट कर लिया है और साथ ही में इस्तेमाल करेंगे शेल का। तो मैं सारे ये दिखा देती हूँ। सेकेंड हमारा जो है वो जूस है पाइनएप्पल के साथ बनने वाला, पीना कोलाडा। और थर्ड मेलन के साथ में। सारे सीजनल फ्रूट का इसमें इस्तेमाल करने वाली हूँ, जो कि सीजनल फ्रूट में आजकल सबका फेवरेट है मैंगो। हेलो अरिता जी, हेलो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लूंगी ब्लेंडिंग जार। हम इसमें सबसे पहले जूस प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए हम ये यहाँ पर मैंने लिया है कोकोनट वाटर। ओके, कोकोनट वाटर यहाँ पर ना मैं इससे पूरा ये मग है तो ये हाफ लेने वाली हूँ। पहले हम बनाएंगे पीना कोलाडा, साथ ही में हमारे पास है ये पाइनएप्पल, ये हम पाइनएप्पल की स्लाइसेस करके ली थी मैंने। यहाँ पर हम ये सारा पाइनएप्पल ले लेंगे। एक यहाँ पर मैं प्रेजेंटेशन के लिए रोकती हूँ और साथ ही में सबसे पहले मैंने यहाँ कोकोनट वाटर लिया है। यहाँ पर ये जो मलाई है कोकोनट की, इसे अच्छे से यहाँ पर मैंने हाफ लिया है और इसे क्या करेंगे, इसे चॉप कर लेंगे। एकदम सॉफ्ट वाला कोकोनट जो है देख कर लेना है यहाँ पर। सारा टेंडर कोकोनट हम इसमें डाल देंगे, कोकोनट वाटर इसके साथ में टेंडर कोकोनट।
यहाँ पर ये मैंने लिया है, पीना कुलाड़ा का सिरप, जिसे हम 2 चम्मच ऐड कर देंगे। साथ ही में जाएंगे कुछ पुदीना के पत्ते, लेमन जूस। यहाँ मैंने हाफ लेमन का जूस लिया है, कोकोनट वाटर, पाइनएप्पल, टेंडर कोकोनट, पीना कोलाडा का जो सिरप मैंने लिया है वो बिल्कुल 2 चम्मच ऐड करेंगे। अगर नहीं आप डालना चाहते तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। उसकी जगह पर यहाँ पर स्वीटनर के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ शुगर फ्री नेचुरा, बिल्कुल 1/2 चम्मच। ये ना मैं शुगर फ्री बना रही हूँ। इसे सबसे पहले मैं इसे फटाफट से ग्राइंड कर लेती हूँ। हेलो अर्षा दी, हेलो। हाँ दी, रिपीट करती हूँ रेसिपी। ये मैंने यहाँ पर बनाया है पीना कुलाडा जंगल जूस, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया था फ्रेश कोकोनट का वाटर। ये जो हमारा है ये शुगर फ्री बना है, इसे सर्व कर लेते हैं। उससे पहले मैं इसकी रेसिपी रिपीट कर देती हूँ। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने लिया कोकोनट का वाटर, टेंडर कोकोनट, जो हमारी कोकोनट की मलाई होती है ना, उसका इस्तेमाल किया है। और साथ ही में कुछ मिंट लीव्स, शुगर फ्री नेचुरा, हल्का सा आप इसमें सॉल्ट डालेंगे ना, नींबू का रस डाला है बस। उसके साथ में हमारा ये जो जूस है ना, ये देखिए बिल्कुल बनकर तैयार हो गया अभी। और साथ में यहाँ पर मैंने लिया है ये पीना कोलाडा का सिरप, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ये नहीं लेना चाहते। मैंने यहाँ पर ये 2 चम्मच ऐड किया है। लेंगे
पुदीना के पत्ते साथ में, और हम इसे थोड़ा सा क्रश कर देंगे जिससे कि लेमन एकदम क्रश हो जाए। ये हमारा जो है इसको हम करेंगे सर्व। साथ ही में एक क्विक सी गार्निश जो कि हम पीना कोलाडा के सिरप के साथ यहाँ पर कर रहे हैं। ये बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है, इसे हम यहाँ पर ये मैंने रखी थी पाइनएप्पल की स्लाइस की गार्निशिंग के लिए। इस तरीके से फ्रेश चेरी भी ले सकते हैं। ये देखिए एकदम फ्रेश फ्रूट के साथ में पीना कोलाडा का जूस रेडी हो गया है, वो भी शुगर फ्री। यहाँ पर हमारी जो सेकेंड रेसिपी है वो भी है, वो बनने वाली है मेलन के साथ में। जंगल जूस की थीम की जो सेकेंड रेसिपी है वो है मेलन के साथ में। तो मेलन को हम सबसे पहले क्या करेंगे, का जो हेड पार्ट है उसको हम हाफ से थोड़ा कम काटेंगे इस तरह से। देखिए अब ऊपर की हेल्प से इसके अंदर जो सारे बीज होते हैं ना, ये मैं करके रख सकती थी लेकिन फ्रेश फ्रूट है, करके रखना ठीक नहीं था, इसलिए मैंने नहीं किया। इस तरीके से सीड्स को रिमूव कर लेंगे। सबसे पहले सीड्स को ही बाहर करेंगे। को सारे सीड्स मैंने निकाल दिए और हॉलो कर लिया है। अभी हम यहाँ पर जो इसका जितना बल्ब है उसे निकाल लेंगे। यहाँ पर ये जो बल्ब है हम इसको स्कूपर की हेल्प से स्कूप आउट कर लेंगे। बेसिकली ये शेल हमें चाहिए इसलिए। याद रखें
बिल्कुल ध्यान से करना है, एक लेयर बना लें कि हाफ इंच तक छोड़ना है। बाकी आप आहिस्ते से पूरा इसको पाउट कर लें। मिलिंग जो है वो पूरा अच्छी तरीके से फॉलो हो गया है। हेलो रिंकू जी, हेलो। हाँ ये जलजलाती हुई जो गर्मी है ना, ये सारे जूसेस एक बार इसमें अगर आपने बनाकर ट्राई किए और पिए ना, तो काफी राहत मिलेगी। और फिर फ्रेश जूसेस की तो बात ही अलग है। जूस है आज की इसमें ना लाइफ में मैं जूसेस और शेक्स दोनों कवर करने वाली हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल एक हमारा बोल रेडी हो गया, बिल्कुल बोल हमारा रेडी हुआ। थैंक यू दी। और आप इसका इस्तेमाल लिड की तरह कर सकते हैं। यहाँ पर इसे भी स्कूप आउट कर लेते हैं। ये हमारा लेड भी रेडी हो गया। इसको थोड़ा सा कट लगाएंगे ये होल करने के लिए। के अंदर ये इसको अच्छे से सेट हो सके। हेलो दीप्ति जी, हेलो। ये देखिए तो हम अभी सबसे पहले जूस इसका शेक रेडी कर लेते हैं। ये जो मेलन है मैंने यहाँ पर कट करके लिया, स्कूप आउट करके लिया है जी। दीप्ति जी समर ड्रिंक्स यहाँ पर मेलन
कॉपी में लेंगे। अमूल का मिल्क, कितना 1 मिलियन यहाँ पे मैंने स्कूप आउट किया हुआ है। और साथ ही में लेंगे यहाँ पर हाफ कप मिल्क, क्योंकि हम इसे ना थिक शेप बनाने वाले हैं। और अब जाएगा इसमें मिल्क में, इससे अगर आप लाइट स्विच चाहते हैं ना तो फिर आप इसे कम डाल सकते हैं, नहीं तो आप इससे ही 2 चम्मच भर के डालें तो बराबर आपका स्वीटनर बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या ना कम डाला है थोड़ा, मैं इसमें डाल रही हूँ शुगर फ्री पाउडर। आजकल हर घर में डायबिटीज के पेशेंट है, मगर ये सब पीने का तो बहुत मन करता है ना, उसके लिए क्या करें, उसके लिए शुगर फ्री जूसेस बनाएं, शेक्स बनाएं और इंजॉय करें। यहाँ पर इसमें हम देंगे एक फ्लेवर, इसमें मैं थोड़ा सा रोज सिरप डाल रही हूँ, ये होममेड रोज सिरप है, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ फ्लेवरिंग के लिए हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसे अच्छी तरीके से मिलन के मिलन का जो शेक है ना, इसमें अब मैं 1 चम्मच अमूल की आइसक्रीम ऐड कर रही हूँ। एक बार दोबारा से इसे फटाफट से ग्राइंड कर लेते हैं। मैंने अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है और साथ ही ना इसे थोड़ा सा पेस्ट कर लेते हैं। एकदम लाइट स्वीट है, मिलन का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। जो भी चीज आप ऐड करें उसमें से मिलन का फ्लेवर आपका जाना नहीं चाहिए। ये देखिए
ये इस तरीके से अभी हम इसको गार्निश करेंगे। ये भी है ठंडा ठंडा हमारा मेलन शेक रेडी हो गया है। अभी अभी हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट है टेंडर कोकोनट के साथ में। थैंक यू रिद्धि जी, हेलो रंजना जी, हेलो। हेलो काकी जी, हेलो, थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ पर टेंडर कोकोनट साथ में है कोकोनट वाटर, इसे ना फाइनली चॉप कर लेंगे। यहाँ सबसे पहले बनाएंगे कोकोनट शेक, ये बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है। एक बार समझिए, आपका लंच का टाइम हो या डिनर का, ये रेसिपी ना बिल्कुल फुलफिल कर देने वाली है। ये ऐसी है, ये हम लेंगे टेंडर कोकोनट, साथ ही में सबसे पहले मिल्क लेंगे। कोकोनट वाटर और मैं इसे शुगर फ्री नहीं बना रही हूँ। यहाँ पर हम डालेंगे इसमें यहाँ पर पूरा ना 100 ग्राम मैंने लिया है, क्योंकि शेल जो है वो काफी बड़ा है, तो मैं जितना ये ओपन है उसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ पहले। तो बढ़िया सा मिल्क मेक के साथ में, नेस्ले मिल्क मेक के साथ हम क्या बना कर लेंगे शेक। तो इसे अच्छी तरीके से सबसे पहले ग्राइंड कर लेंगे एकदम फाइन।
मैं पहले कोकोनट का शेक रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पर टेंडर कोकोनट का जो शेक है हमारा वो रेडी हो गया। अभी अभी ये जो शेल है इसके अंदर पोर कर देंगे। साथ में डालेंगे कुछ आइस क्यूब्स। मैंने यहाँ पर ये जो पीना कोलाडा का सिरप लिया है इसे हम कुछ चेरीज के ये मैंने यहाँ पे टुकड़े लिए हैं, आप इसकी जगह पे ना पोमेग्रेनेट ही डाल सकते हैं। यहाँ पर पोमेग्रेनेट की जगह पे थोड़ा सा ये कलरफुल दिखने लगेगा, तो हम यहाँ पर थोड़ी सी चेरीज कट करके ऐड करेंगे। है अब हमारे पास है ये ड्राई फ्रूट्स, साथ ही में के साथ में इसे रेडी कर रहे हैं। तो हम मैंगो को करेंगे स्कूप आउट। आप कोकोनट शेक के साथ में ना मैंगो को भी डाल सकते हैं, लेकिन चंक्स में डालेंगे तो बाइट्स में ज्यादा अच्छा लगता है। इसे क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। जितना इसके अंदर सब कुछ डाला है, टेंडर कोकोनट का सबसे पहले शेक बनाया, उसके बाद इसको पीना कोलाडा के सिरप के साथ में, और ऊपर से फ्रेश मैंगो जाएगा। ये जो ड्राई फ्रूट्स है ना, ये बस इसके ऊपर
तरीके से गार्निश कर देना है। पूरा इसे अपने इच्छा के अनुसार गार्निश करें। अब हम लेंगे लीव्स, तरीके से मैंगो के दो भाग करेंगे। हमारा ये जो कोकोनट शेक है, कोकोनट जंगल जूस, ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। ड्राई फ्रूट अगर आप इसमें डालेंगे ना, तो ड्राई फ्रूट से आप जब बाइट्स में क्रंच आएगा ना, तो किसी भी फूड में थोड़ा सा क्रंच ऐड होता है ना, तो और भी डिलीशियस हो जाता है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप डालना चाहते हैं या नहीं डालना चाहते हैं। बेसिकली ये जो है ना, वो ड्राई फ्रूट्स के साथ अच्छा लगता है। ये रहा, ठंडा ठंडा कोकोनट मैंगो और साथ में इसमें मिल जाता है तो और भी रिफ्रेशिंग हो जाता है। जी दीप्ति जी, और नट्स वगैरह ये सब अपनी चॉइस होती है कि डालना है कि नहीं डालना है, है ना। और अब हम बनाएंगे और हमारा जो नेक्स्ट जूस है वो है मैंगो। सीजनल फ्रूट के साथ में वो को अच्छी तरीके से स्कूप आउट कर लीजिए। ऑलमोस्ट ये वाला जूस तो सब लोग बनाते होंगे, लेकिन सीजनल फ्रूट की बात ही कुछ और होती है। मैंने जो यहाँ पर कोकोनट के साथ में बताया, कोकोनट मैंगो, वो आप स्ट्रॉबेरी के साथ बना सकते हैं। सीजनल किसी भी फ्रूट के साथ में उसे कंबाइन कर सकते हैं।
रंगों का सारा पर्व इस तरीके से निकाल लें। और इसमें प्लेन वाटर के लिए पहले लेंगे आइस, हमारे पास जो कोकोनट वाटर है ना, प्लेन वाटर की जगह हम लेंगे यहाँ मैंगो के साथ कोकोनट वाटर। और अभी मैंगो जो है बहुत ज्यादा मीठा नहीं है, तो हम यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा शुगर फ्री डालेंगे। इसे करेंगे अच्छे से, यहाँ पर ये छोटा सा ना पाइनएप्पल का टुकड़ा है, इसे भी मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ। इसे भी फटाफट से ग्राइंड कर लेते हैं। डालेंगे ढेर सारे पुदीने के पत्ते, चेरी और हमारा जो जूस है। ये कर लेते हैं फटाफट से गार्निश। तो ये हमारा रेडी हो गया ठंडा ठंडा। मैंगो कोकोनट जूस
पीना कोलाडा, टेंडर कोकोनट विद मैंगो, साथ ही में मेलन, मेलन शेक। और वैरायटी के ये हमारा यहाँ पर सेंट्रल जूस रेडी हो गया। तो एक बार दोबारा से मैं रेसिपी को रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने क्या क्या बनाया है, हमारी रेसिपी जंगल जूस की थीम थी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कोकोनट टेंडर कोकोनट के साथ में मैंगो को कंबाइन करके कोकोनट का शेक बनाया है, जिसमें मैंने मिल्क अमूल की आइसक्रीम और शुगर, इसमें मैंने मिल्क मेड का इस्तेमाल किया है। और मैंगो को आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, नहीं अगर करना है तो आप सिर्फ चंग, जैसे मैंने डाला आप चंग डाल सकते हैं। और ग्राइंड करने के बाद में उसको अच्छे से शेल में ट्रांसफ़र करेंगे। पीना कोलाडा को मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, पीना कोलाडा से थोड़ा सा उसको फ्लेवरिंग दी है। और साथ में ऊपर से ड्राई फ्रूट्स आपकी चॉइस है, आप डालेंगे तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो कोकोनट मैंगो है वो हमारा एक ये शेक है, दूसरा यहाँ पर है मेलन शेक। मेलन शेक का मेलन लिया है, ये शुगर फ्री है, मेलन शेक में मैंने शुगर फ्री का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर उसमें एक स्कूप आइसक्रीम गई है, मिल्क गया है और एक चम्मच मिल्क मेड का इस्तेमाल मैंने इसमें किया है। उसको बढ़िया से शेक बनाएंगे और उसको शेल में इस तरीके से ग्राइंड करेंगे कि थोड़े से ना मेलन के बाइट्स आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्रंची एलिमेंट हम नहीं ऐड कर रहे थे, थोड़ा सा बाइट्स आने चाहिए तो वो अच्छा लगता है। और ये है हमारा पीना कोलाडा। पीना कोलाडा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कोकोनट की जो मलाई होती है ना, टेंडर कोकोनट वो लिया है, कोकोनट वाटर लिया है, मिंट लीफ लिया है, शुगर फ्री पाउडर लिया है। आप शुगर फ्री को रिप्लेस करें और मिल्क मेड का इस्तेमाल करें अगर आप इस तरीके से पीना कोलाडा का बना रहे हैं। और ये हमारा कोकोनट मैंगो, जो कि कोकोनट फ्रेश कोकोनट वाटर और मैंगो के साथ में बनकर तैयार हुआ है। कैसा रहा आप, कैसा लगा आपको, आप सभी लोगों को आज का ये सेशन? और मैं आशा करती हूँ कि पसंद आया होगा। इस चिलचिलाते हुए गर्मी में इस तरीके का कुछ ठंडा ठंडा मिल जाए तो क्या कहना। इस तरीके की और रेसिपीज अगर आप जानना चाहते हैं ना, तो आप यूट्यूब पर मेरे आरजीएस कलमरी चैनल पर मैं एवरी सैटरडे को 3 बजे आप सब से मिलूंगी, जहाँ पर बहुत ही डिफरेंट तरीके से हेल्दी रेसिपीज को शेयर करती हूँ। आज भी अगर आप आज भी हेल्दी रेसिपी ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे मैं बिल्कुल शुगर फ्री वाला केक की रेसिपी के साथ में आ रही हूँ, तो 3 बजे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आज का लाइव यहाँ पर एंड करती हूँ, मैं आपको कॉल से छोड़ बाय। इस तरीके से फ्रेश जूसेस एंड शेक्स आप भी बनाइए और एंजॉय करिए। बाय।